अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को होने हैं और इन सब के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोगों को और अमेरिकी भारतीयों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदुओं को सुरक्षित करने की बात कही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए इस बात की प्रतिबद्धता दोहराई है कि अगर वो राष्ट्रपति बनकर आते हैं तो वो दुनिया भर में हिंदुओं की रक्षा करेंगे और विशेष तौर पर उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार का भी जिक्र किया है। जिस तरीके से हिंदुओं के साथ वहां पर घटनाएं हुई उसका भी जिक्र जो है वो ट्रंप की तरफ से किया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। एक तरफ रिपब्लिकन्स की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो वहीं डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस चुनावी मैदान में बतौर प्रत्याशी जो इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं लगातार कैंपेन कर रही हैं। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये उठता है जो आपके मन में आ सकता है कि आखिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुओं की क्यों याद आ गई है। तो इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो है कि अमेरिका में बड़ी संख्या में हिंदू अमेरिकन्स रहते हैं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की नज़र इसी वोट बैंक पर है और इन्हें ही साध कर वो राष्ट्रपति पद पर पहुंचना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ अरब अमेरिकियों को भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साथ लेने की कोशिश में नज़र आए हैं। अमेरिका में जो चुनाव हैं वो काफ़ी दिलचस्प होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अक्सर भारत में आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौर में सुने होंगे लेकिन अमेरिका के भी चुनाव जो हैं वो इससे अलहदा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम समर्थकों को जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कूड़े वाला कह दिया तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक कूड़े वाली गाड़ी के ड्राइवर के तौर पर ही एक चुनावी सभा को संबोधित कर दिया और वो उस सभा स्थल तक उसी गार्बेज व्हीकल से पहुंचे थे। इसके अलावा इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का अलग अवतार आपको देखने को मिला था जहां वो मैकडोनल्ड्स में जाकर अचानक से बर्गर और फ्राइज सर्व करते हुए नजर आए थे और अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आए। कुल मिलाकर अमेरिका के चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चले हैं। एक तरफ रिपब्लिकन्स हैं तो दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट्स की ये कोशिश है कि वो लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हों। जो बाइडेन जो कि शुरुआत में उम्मीदवार थे डेमोक्रेट्स के, उनके पीछे हटने के बाद कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया है। कमला हैरिस के सामने चुनौती है कि क्या वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बन पाएंगी। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निगाहें टिकाए हुए हैं और इसके लिए चुनाव प्रचार के दौरान वो हिंदू की बात करते हुए नजर आते हैं, वो अमेरिका के नागरिकों के हितों की रक्षा की बात करते हुए नजर आते हैं, वो बात करते नजर आते हैं कि किस तरीके से दुनिया भर में जो जंग जारी है उसको रुकवा देंगे और साथ ही साथ अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है।